हाय एवरीवन, आई एम आरफिन और आज का वीडियो कोई ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है। दिस वीडियो इज समथिंग डिफरेंट। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट माय कमेंट सेक्शन। सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को चेकआउट करना मत भूलना। मेरे चैनल पर आपको CSIT से रिलेटेड वीडियोज मिल जाएंगी, जैसे कि DSA, लीड कोड, SQL, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेशन रिसर्च और भी बहुत कुछ जो मैं आगे अपलोड करने वाली हूँ। तो चैनल को जरूर से चेकआउट करना एंड जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको जरूर से प्रेस कर देना, ताकि मेरे 200 के सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट हो जाए। एंड उसके साथ साथ अगर आप लोगों ने अभी तक कमेंट नहीं किया है तो जल्दी से कमेंट भी कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट अगर इस तरीके की वीडियोज़ बनाऊँ तो आपके कॉमेंट्स को भी पिक कर पाऊँ। और अगर आप लोग चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, नीचे इंस्टाग्राम की ID आ रही होगी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कॉमेंट पढ़ने से। और हाँ, जो भी कॉमेंट्स मैंने पिक किए हैं वो हर एक कैटेगरी से पिक किए हैं, जैसे कि कुछ फनी कॉमेंट्स, कुछ डाउट रिलेटेड कॉमेंट्स और कुछ स्ट्रेंज कॉमेंट। सो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अच्छे कॉमेंट्स का ही रिप्लाई करने वाली हूँ। सो लेट सी हाउ यू थिंक अबाउट मी एंड माई चैनल। सो द फर्स्ट कॉमेंट इज़ फ्रॉम रॉकी एडिट्स एंड इन्होंने लिखा है लेजेंड वॉचिंग वन डे बिफोर एग्जाम। एंड इस कॉमेंट पे 627 लाइक्स है एंड 119 रिप्लाइज है। एंड ये एक ऐसा कॉमेंट है जो मेरे चैनल का टॉप कॉमेंट्स है। एंड इस तरीके के कॉमेंट्स मेरे चैनल के हर एक वीडियोज़ पर मिल जाएगा। और कुछ लिखते हैं वन डे बिफोर एग्जाम, कुछ वन आवर बिफोर एग्जाम, कुछ 15 मिनट्स बिफोर एग्जाम एंड कुछ तो ऐसा लिखते हैं कि मैं एग्जाम हॉल में बैठ के वीडियोज़ देख रहा हूँ। सो दैट्स फनी। एंड एक टाइम ऐसा था, मुझे याद है, रात के 2 बज रहे थे, मैं वीडियो एडिट कर रही थी एंड कमेंट आता है कि 5 मिनट्स बिफोर एग्जाम। सो मुझे लगा कि यार रात में किसका एग्जाम चल रहा है। बट anyway, जो जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं एग्जाम से एक दिन पहले, सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कमेंट लिखते हैं एक्सपर्ट गेमर्स ने और इन्होंने लिखा है आई एम कंप्लीटिंग द कोर्स बाय लिसनिंग टू योर लेक्चर, इवन माई टीचर लर्न फ्रॉम योर वीडियोज, थैंक्स। सो थैंक यू सो मच। टीचर्स भी मेरी वीडियोस देख सकते हैं एंड ऐसा नहीं है कोई, मैंने भी जो कुछ सीखा है वो मैंने अपने टीचर्स से ही सीखा है। एंड अभी से कुछ महीने पहले मे भी मुझे लिंक्डइन पर डायरेक्टली एक फैकल्टी का DM आया था जो मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे, थैंक यू सो मच। एंड जब मैं भी कॉलेज में थी, मुझे डाउट आता तो मैं भी गूगल पे आती थी, मैं भी यूट्यूब करती थी, सर्च करती थी डाउट, अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए। सो मुझे खुशी है कि आज मेरा जो नॉलेज है वो आप लोग के काम आ रहा है। सो थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट हमद हुसैनी ने लिखा है हैवन सीन एनी बेटर टीचिंग स्किल दैन दिस गर्ल, द क्वेश्चन शी टॉट वॉज द एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन डेट हैज बीन आस्क्ड टुडे इन माई यूनिवर्सिटी एग्जाम। सो थैंक यू सो मच हमद। एंड यस, आप लोग को सबको पता है कि मेरा एजुकेशनल रिलेटेड कॉन्टेंट्स है। सो एजुकेशनल रिलेटेड कॉन्टेंट्स में आप लोग यूट्यूब पर भी सर्च करोगे तो काफ़ी लोगों ने कहा है कि व्यूज़ नहीं जाते हैं। एंड ये चीज़ मैंने भी नोटिस किया है कि जितना एफर्ट लगाती हूँ मैं उस हिसाब से व्यूज़ नहीं जाते हैं। बट ठीक है, एनी वे वैसे भी यूट्यूब मेरा पार्ट टाइम है। तो एक चीज़ है, अगर आप लोग स्टूडेंट हैं और आप लोग अपने किसी सब्जेक्ट के ऊपर वीडियोज़ बनाना चाहते हैं तो मैं 2 टिप देना चाहूँगी। पहला, जो ये दोनों मैंने यूज़ किया हुआ है, फर्स्ट टिप ये है कि जो भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करा रहे हो ना, वो ऐसा क्वेश्चन को ही पिक करो जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में उस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नॉट एग्जैक्ट क्वेश्चन बट हाँ लाइक मिलता जुलता सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस को ही पिक करो। एंड दूसरा, जो क्वेश्चंस को आप लोग पिक कर रहे हो वो किसी दूसरे यूट्यूबर ने सॉल्व नहीं किया हो, तो ये 2 चीज़ को ध्यान में रख के पिक करना। मैं भी इसी तरीके से पिक करती थी तो इसीलिए। सो थैंक यू सो मच अमन। नेक्स्ट लिखा है लवली चौहान ने नेवर स्टॉप अपलोडिंग वीडियोज, थैंक यू मैम, ब्यूटी विद ब्रेन, थैंक यू सो मच लवली। एंड या आई विल नेवर स्टॉप अपलोडिंग वीडियोज़। और वैसे भी बहुत सारे कॉन्टेंट्स मेरे अभी दिमाग में है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं इंजीनियरिंग में, मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। सो मैं अभी अपलोड करना तो अभी फिलहाल तो बंद नहीं कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपलोड करूँगी। नेक्स्ट लिखा है कुसुम ठाकुर ने बेस्ट एक्सप्लेनेशन एवर, यू आर ग्रेट मैम, थैंक यू सो मच कुसुम। उसके बाद लिखा है राहुल कुमार ने व्हाट्स योर गुड नेम मैडम। सो राहुल, मेरा नाम आरफीन परवीन है। उसके बाद लिखा है मिस्टर लेजेंड ने काश आप हमारे कॉलेज में टीचर होता, सो थैंक यू सो मच। एंड कौन से कॉलेज में, आपने अपने कॉलेज का नेम मेंशन नहीं किया, सो प्लीज़ मेंशन दैट। उसके बाद लिखा है दिवाकर मिश्रा ने एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन इज़ गुड बट वेरी स्लो साउंड, प्लीज़ मैम इंक्रीज़ योर साउंड, या सो इट्स करेक्ट दिवाकर। लाइक पहले जब मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, तब तो मैं कॉलेज में थी एंड हॉस्टल में रहती थी, तो हॉस्टल में होता है कि सब लोग आसपास रहते हैं तो थोड़ा सा नर्वसनेस था। और वीडियो ऑडियो क्वालिटी स्टार्टिंग में वैसे भी किसी का उतना अच्छा नहीं होता है जो लोग वीडियोस बनाने आते हैं, तो उस टाइम पे तो बिल्कुल भी सही नहीं था। तो पुरानी वीडियोस अगर आप लोग मेरे देख रहे हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। अभी के जितनी वीडियोस मैं बना रही हूँ उन सारी वीडियोस पे आप लोगों को मैंने कोशिश किया है कि वीडियो ऑडियो क्वालिटी पहले से बेटर करने का। ओके, नेक्स्ट लिखा है OMG इट्स दीपक ने सिंपली एक्सप्लेन्ड मैम फ्रॉम नेपाल, सो थैंक यू सो मच दीपक एंड या लव फ्रॉम इंडिया। उसके बाद लिखा है नितिन मौर्य ने आपकी वीडियोज़ भी पसंद आई और आप भी, आई लव यू मैम, सो थैंक यू सो मच नितिन। एंड ये है कि मेरी मम्मी भी मेरी कमेंट्स को पढ़ती है तो मरवाओ मत मुझे, ठीक है। उसके बाद लिखा है राम ए ने आई हेट यू मैडम, हेट यू,
क्यों यार मुझे क्यों पसंद नहीं कर रहे हो? ओके, नेक्स्ट लिखा है बिकी रजक ने, वेरी हेल्पफुल लेक्चर, रियली नीडेड दैट स्टार्टिंग मोटिवेशन, बट मैम प्लीज़ प्रोवाइड नोट्स टू. यस बिकी, पहले की जो भी वीडियोज़ है उस पर नोट्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑफकोर्स जो मैं अपनी कॉपीज़ पे जो है वो सॉल्व कर देती थी एंड उसी को अपलोड कर देती थी, तो वो नोट्स तो अभी तो मैंने सेव करके नहीं रखे हैं. बट अब जो मैंने स्टार्ट किया है वीडियोस डालना, उसके सारे के सारे नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में. नेक्स्ट लिखा है प्रदीप्ता ने, कौन कौन 2024 में वीडियोज़ देख रहा है? सो ये जो कमेंट है ये मुझे 2023 से आ रहा है. लोग 2023-2024 का अटेंडेंस लगा रहे हैं मेरे कमेंट्स पे, एंड ये नहीं 2025 का भी कमेंट्स लगा लिए, 2027 का भी इनफैक्ट कमेंट जो है मेरी वीडियोस पे लगा चुके हैं. तो लोग मुझे लगता है काफ़ी एडवांस हो गए, फ्यूचर में जाके वीडियोस को देख रहे हैं. थैंक यू सो मच. उसके बाद तेजस्विनी राणा ने लिखा है, थैंक यू सो मच मैडम. थैंक यू सो मच तेजस्विनी. उसके बाद लिखा है राहुल कुमार ने, मैम आपकी आवाज़ बहुत क्यूट है, लव यू मैम. आप ऑफलाइन कहाँ पढ़ाती हैं? सो थैंक यू सो मच राहुल. एंड मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ाती हूँ, यूट्यूब मेरा पार्ट टाइम है, एंड वैसे मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, सो मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ाती हूँ, मैं ऑनलाइन ऐसे यूट्यूब पे ही वीडियोस बनाती हूँ. उसके बाद लिखा है केवी एस्पिरेंट्स ने, इट्स एन ऑसम क्लास मैम, एक डाउट था, क्वेश्चन इज मिनिमाइज 3x1 + 8x2, मैम प्लीज़ मेक वीडियो ऑन डैट क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड. सो आई एम सो सॉरी, एक्चुअली ये कमेंट काफ़ी पुराना है और इस क्वेश्चन को मैंने देखा नहीं और मैंने इस पे वीडियोस नहीं बना पाई. एंड यार देखो, जो भी आप लोग डाउट पूछते हो और जो भी आप लोग इस तरीके से डायरेक्टली क्वेश्चन को जो है कमेंट्स में लिख करके देते हो कि ये इस वाले पे वीडियोस बनाओ, सो सब चीज़ों के ऊपर ऐसे वीडियोस बनाना मेरे लिए खुद भी पॉसिबल नहीं, आप लोग भी समझ सकते हो. बट या जो व्यूवर्स आ रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि जो लोग वीडियोस देख रहे हैं तो कमेंट्स को भी स्क्रोल करके थोड़ा डाउट वगैरह जो है तो थोड़ा सा चेक कर लिया करो. हो सकता है जो दूसरों को डाउट आ रहा हो आपको पढ़ने के बाद आपको भी सेम डाउट आ जाए, तो ये सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाती है कमेंट्स पढ़ने से, एंड कमेंट्स का रिप्लाई भी कर दिया करो, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. एंड दूसरी चीज़, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं डाउट को आपके सॉल्व करूं, तो मुझे लिंक्डइन या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली डीएम करना. कुछ ऐसा नहीं कि मैं रिप्लाई नहीं करती हूं, मैंने मैक्सिमम लोगों का डाउट को सॉल्व किया हुआ है लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे, तो मुझे डीएम जरूर से कर देना. उसके बाद लिखा है बाई अमित ने, फ्रॉम बांग्लादेश, थैंक्स टू योर वीडियो आई लर्न ऑल फ्रॉम यू. थैंक यू सो मच अमित, आई थिंक, या थैंक यू सो मच, एंड या लव फ्रॉम इंडिया. उसके बाद लिखा है स्पाई फ्यूजो समथिंग, ओके, इन्होंने लिखा है हे क्वीन यू ड्रॉप दिस क्राउन, थैंक यू सो मच. उसके बाद लिखा है ओ ये ने, क्राई मुझी, एंड देन लास्ट में है कल है पेपर. ओके सो या अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है तो प्लीज़ डोंट वरी, आपका जो है पेपर अच्छा ही जाएगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ों को ठीक से कवर कराया हुआ है. सो डोंट वरी, आपको रोने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट लिखा है अनुभव कुमार सिंह ने, मैम आई सजेस्ट यू प्लीज़ प्रिपेयर फॉर UPSC. थैंक यू सो मच अनुभव कि आपने मुझे इस लायक समझा UPSC के लिए. बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे UPSC में कोई इंटरेस्ट नहीं है. अब हो सकता है फ्यूचर में आ जाए, फ्यूचर को किसी का नहीं पता, बट फिलहाल के लिए मुझे UPSC में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट थैंक यू सो मच. उसके बाद लिखा है AK ड्राइंग वर्ल्ड ने, आपने तो सही पढ़ाया है, आपसे कोई शिकायत नहीं, पर ये सब चीज़ काम कहाँ पर आने वाला है? साला दिमाग ख़राब हो गया, गुस्सा आ रहा है वो अलग. यार ऐसे वर्ड्स मत लिखा करो, मैं घर पर वीडियोज़ बनाती हूँ. ओके सो या थैंक यू सो मच कि आपने समझा कि मैंने जो पढ़ाया सही पढ़ाया. और ये जो कॉमेंट है ये है मेरे ऑपरेशन रिसर्च की वीडियो पर है. सो देखो यार, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जो भी चीज़ें हैं वो रियल लाइफ में कहाँ पर यूज़ हो रही है और प्रैक्टिकल कहाँ पर है, तो इस ऑपरेशन रिसर्च के लिए जो है ऑपरेशन रिसर्च का रियल लाइफ में कहाँ पर यूज़ है उसका जो है मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, इस ये वाली वीडियो को जा करके देख लेना, एंड आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जो ऑपरेशन रिसर्च ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है वो रियल लाइफ में कहाँ पर यूज़ होता है. काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, कुछ भी मैथमेटिकल नहीं है उसमें, बस जाके देख लेना, सुन लेना, आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रियल लाइफ में कहाँ पर यूज़ होने वाला है. सिर्फ ऑपरेशन रिसर्च पढ़ना नहीं, समझ भी लेना थोड़ा, ठीक है. उसके बाद लिखा है लाइबा हमीद ने, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान बट आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर सेल्फ, योर वे ऑफ परसीविंग इज रियली कमेंडेबल, विश यू टू बी स्टे ब्लेस्ड इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ. थैंक यू सो मच लाइबा, एंड लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम इंडिया. उसके बाद लिखा है ब्रेन ट्रैकर्स ने, मैम वेयर आर यू फ्रॉम? सो मैं वेस्ट बंगाल में, मेरा घर है वेस्ट बंगाल के आसनसोल सिटी में मैं रहती हूँ, एंड मेरा जो वर्क लोकेशन है वो बैंगलोर है. उसके बाद अनुज शेट्टी ने लिखा है विल यू मैरी मी? सो मैं कहना चाहूँगी अनुज थैंक यू सो मच, बट ये चीज़ आपको मेरे पेरेंट्स से पूछनी चाहिए. नेक्स्ट लिखा है प्रभु ने लिखा है 2 मिनट साइलेंस फॉर BPUT स्टूडेंट्स,
एंड बीपीयूटी वाले और भी है, बीपीयूटी वाले अटेंडेंस लगाओ, इस तरीके के कमेंट्स आते हैं मुझे बीपीयूटी से। सो अगर ये वीडियो कोई बीपीयूटी का स्टूडेंट देख रहा है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करना। तो बीपीयूटी से मुझे लगता है काफ़ी लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, तो मैं कहना चाहूँगी थैंक यू सो मच। एंड ये है कि कभी बुलाओ यार अपने कॉलेज मुझे भी। उसके बाद लिखा है ताला रहमान ने, यार ये कितनी औसम है यार। सो थैंक यू सो मच ताला, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है आप मुझे औसम कह रहे हो या फिर जो मैंने पढ़ाया हो उससे औसम कह रहे हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। उसके बाद लिखा है शुभम सिंह ने 3 × 60 = 180 not 120, और ये जो कमेंट है वो आया है ऑपरेशन रिसर्च की वीडियो पे। सो थैंक यू सो मच शुभम इतने ध्यान से मेरी वीडियो को देखने के लिए। मैं कहना चाहूँगी कि यस, इस वाले वीडियो पे मैंने 3 × 60 = 120 कर दिया था, बट नेक्स्ट मोमेंट ही मैंने उसको कट करके 180 कर दिया, तो जो आंसर आया है फाइनल आंसर वो जो है वो सही है। तो वीडियो में ऐसा हो जाता है कभी कभी, क्योंकि नॉन स्क्रिप्टेड वीडियोज़ होती है, इवन जो भी कैलकुलेशंस वाली वीडियो होगी, जो भी न्यूमेरिकल वीडियोज़ होती है ना, वो सब कुछ नॉन स्क्रिप्टेड ही होती है। कोई कितना भी चाहे इसको स्क्रिप्टेड नहीं बना सकता। इवन कॉलेज में अगर फैकल्टीज भी पढ़ाते हैं तो उनसे भी थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, तो नेक्स्ट मोमेंट में उसको कट करके वो कैलकुलेशंस ठीक कर देते हैं। तो या थैंक यू सो मच, इससे पता चलता है कि आप लोग कितने ध्यान से मेरी वीडियोस को देख रहे हो। बट ये है कि एक आंसर जो है सही आया, क्योंकि मैंने नेक्स्ट मोमेंट पर उसको कट करके 180 कर दिया। सो थैंक यू सो मच गाइज, जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हैं, एंड जो लोग मुझे नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, सबको लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम इंडिया। एंड लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि मैं इस तरह के वीडियोस बनाती नहीं हूँ, मेरा कंटेंट अलग है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को चेकआउट करना मत भूलना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और अगर इसी के साथ साथ आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।